स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट की एक ऐसी अपडेट बच्चों के बीच में काफी ज्यादा घूम रही है जिसमें कि रिजल्ट की फिक्स डेट आपको बताई जा रही है एंड जो अपडेट आई उसका जो सोर्स है वो भी जेन्युइन है यानी कि ट्रस्टेड है। काफी बच्चे उसके बारे में पूछ रहे थे जैसे कि मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। नेट पर आप जैसे सर्च करेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2024 तो जो डेट सामने आएगी टॉप पर ही आपको जो डेट दिखेगी वो है 15 अप्रैल। तो क्या वाकई 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा? क्योंकि गूगल पर तो यही डेट आपको बताई जा रही है एंड प्रीवियस वीडियो में एमपी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया वो मैंने आपको दिखाया था जिसमें कि बताया जा रहा था कि 14 अप्रैल तक सभी बच्चों के मार्क्स एमपी बोर्ड में भेजने हैं। जिन बच्चों के मार्क्स नहीं भेजे जाएंगे उनको एब्सेंट शो करके एमपी बोर्ड अपना रिजल्ट अनाउंस कर देगा। तो क्या अचानक से 15 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा बिना कोई नोटिस आए? तो इसी के बारे में कुछ मैंने रिसर्च करी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जिन बच्चों को ये डाउट था कि गूगल पर तो 15 अप्रैल डेट बताई जा रही है उनको भी साफ हो जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 को आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वीडियो में तक बने रही है, नए तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिए। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए नेट पर आपको जो रिजल्ट की फिक्स डेट बताई जा रही है कि 15 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, तो क्या वाकई आपका रिजल्ट 15 तारीख को आ जाएगा? क्योंकि गूगल जो भी बताता है वो सही बताता है, तो यही सबसे बड़ा मिथ है आप सभी का। काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गूगल जो भी बता रहा है, मीडिया जो भी बता रही है, न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा है वो सारी चीजें सही है, जबकि वो एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं वो सही नहीं होती, 100% कन्फर्म नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जो मीडिया होती है, जैसे कि अगर आप नेट पर भी सर्च कर रहे हैं, गूगल पर भी सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 15 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो वो किसी की पर्सनल वेबसाइट है यानी कि वो उसको अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। वहाँ पर जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर डेट्स वगैरह देख रहे हो, वो अपने हिसाब से वहाँ पर इनपुट कर रहा है। आप ये चीज जरूर से वहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि जो डेट बताई जा रही है वो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट होती एमपी बोर्ड की mpbsc.nic, वहाँ पर आपको 15 अप्रैल बताया जाता तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% 15 तारीख को अनाउंस होता। पर जो वेबसाइट आपको बता रही है कि 15 तारीख को एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो वो कोई ऑफिशियल वेबसाइट तो है नहीं, वो किसी की खुद की वेबसाइट है, वो अपने हिसाब से वहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करता है। अब ये आर्टिकल सबसे ऊपर क्यों आ रहा है, सबसे ऊपर ये डेट आपको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि अपन यही समझते हैं कि नेट पर हम जो भी सर्च करते हैं, जो भी सबसे ऊपर आता है, जो भी सबसे ऊपर की वेबसाइट होती है वो अच्छी होती है एंड वो हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये हर चीज़ में सही नहीं होता है। अगर आप कुछ और भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की डेट देख रहे हैं, आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि गूगल जो भी बता रहा है वो सही बता रहा है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें सही होती हैं, 90% चीज़ें सही होती हैं। पर देखिए इंटरनेट पर काफ़ी सारी वेबसाइट है, कुछ चीज़ें सही बताती हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं भी बताती हैं, कुछ अपने प्रॉफिट के चक्कर में उनके जो आर्टिकल है वो रैंक कट जाए, इस कारण से वो कुछ ऐसी चीज़ें देती हैं जो कि आप देखना ही चाहते हो। जैसे कि आप बार बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की डेट सर्च कर रहे हो तो जो वेबसाइट के ओनर है वो समझ जाता है कि आप क्या देखना चाहते हो। आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की डेट देखना चाहते हो तो वो अपने मन से एक ऐसी डेट रख देते हैं अपने आर्टिकल्स में जो कि सर्च करने में सबसे ऊपर आती है एंड मैक्सिमम बच्चे अगर उसको ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पर जाते हैं, तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो रैंक कर जाते हैं, इस कारण से जो आर्टिकल है वो आपको सबसे टॉप पर दिखते हैं। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पर आप कुछ भी सर्च करते हो, किसी भी चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो चीज़ सबसे टॉप पर आ रही है, सबसे टॉप पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है, 90% केसेस में वो सही होती है, पर 10% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी जाती है। तो सबसे सही बात यही रहती है कि आपको जिस भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी ऑप्शन वेबसाइट पर जाइए। जैसे कि एमपी बोर्ड के आपको रिजल्ट की डेट चाहिए तो आपको एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर ही बताई जाएगी। एंड मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, एमपी बोर्ड ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट अनाउंस नहीं करता है, एमपी बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है जिसमें कि आपको डेट एंड टाइम बताया जाता है, वेबसाइट भी बताई जाती है कि कहाँ कहाँ पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस सेशन का नोटिस दिखा देता हूँ, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डेट बताई जा रही है, टाइम बताया जा रहा है, नीचे आपको वेबसाइट बताई जा रही है कि कहाँ कहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। तो इस तरीके से जब तक एमपी बोर्ड की तरफ से इस बार का नोटिस नहीं आता है तब तक आपको किसी की नहीं माननी है, ना ही आपको मीडिया की माननी है, ना ही आपको न्यूज़पेपर की माननी है, ना ही गूगल पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको माननी है, ना ही मैं कुछ आपको बता रहा हूँ उसको मानना है। जब तक एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा नोटिस नहीं आ जाता है आपको ये यकीन करने ही नहीं है कि एमपी बोर्ड की अभी तक कोई रिजल्ट की डेट फिक्स हुई है। जैसे कोई डेट आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो समय आपको टाइम टू टाइम दे देता हूँ, तो आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की जरूरत है ही नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी वेबसाइट पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर शेयर नहीं करना है, आपको अपना रोल नंबर शेयर नहीं करना है, ना ही अपना फोन नंबर शेयर करना है। काफ़ी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि कहती हैं कि आप अपना रोल नंबर वगैरह हमें सबमिट कर दो, जैसे रिजल्ट आएगा आपके SMS पर हम रिजल्ट भेज देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो डेटा है वो बाहर भी जा सकता है, आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपना रिजल्ट चेक करना है। बाकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।